हेलो एवरीवन, नमस्कार। आइए देखते हैं अपने अगला स्टॉक के बारे में। अपना जो अगला स्टॉक है वो है कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स की बात करें, देखिए 1.05 रुपया गिरावट के साथ 401.95 रुपये पे चल रहा। तो चलिए इसकी पूरी एनालिसिस देखते हैं, पूरी फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे, पीएनएल देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। तो चलते हैं screen.com पे, वहाँ पे हम देखने को मिला कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स देखे 402 रुपया क्लोजिंग दिया है। तो देखा 441,426 करोड़ का मार्केट कैप है। करेंट प्राइस 402 रुपये का है। हाई लगाया 450 रुपये का, 105 रुपये का लो लगाया है। तो कल्याण ज्वेलर्स को तकरीबन हर कोई जानता है, ज्वेलर्स का वर्क करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो कोई नहीं, इसकी पूरी एनालिसिस देखते हैं, इसके कुछ खास पॉइंट देखते हैं। तो क्वार्टर का जो रिजल्ट आया बहुत ही अच्छा है। इसका CAGR रिटर्न अगर आप देखते हैं तो CAGR रिटर्न में देखिए 176% का CAGR रिटर्न आया ओवर लास्ट 5 ईयर का। ये किसी कंपनी का 176% बहुत ज़्यादा होता है। तो देखा ये बहुत ही अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा है। तो चलते हैं इसे कंप्यूटर की बात करते हैं। कंप्यूटर में आपको देखने को मिला, सबसे पहले कंप्यूटर मिलेंगे टाइटन। टाइटन कंपनी मिलेगी, राजेश एक्सपोर्ट है, सेनको गोल्ड है, विभव ग्लोबल है, तो ये सब PC ज्वेलर है, ये सब इसके कंप्यूटर हैं। तो ज्वेलर सेक्टर में इनके कंप्यूटर बहुत हैवी तगड़े तगड़े हैं। तो देखा तो रिजल्ट के बारे में अगर बात करते हैं, तो रिजल्ट ईयरली रिजल्ट एनालिसिस करेंगे 2018 से डाटा मिलेगा आपको। तो 2018 में 141 करोड़ का प्रॉफिट था, 2019 में -5 करोड़ का कोविड की वजह से हुआ था। फिर 2020 में देखा जाए 142 करोड़ का, 2021 में -6 करोड़ का, बट 2022 से देखा है 224 करोड़ का हुआ, 2023 में 432 करोड़ का हुआ, 2024 में देखा है 596 करोड़ का। तो यहाँ से देखिए लगातार ही अपना प्रॉफिट ग्रो करते हुए जा रहा है, वो भी तगड़ा तगड़ा प्रॉफिट ग्रो कर रहा है। तकरीबन 150 करोड़ का प्रॉफिट ऐसे ग्रो करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। ये किसी कंपनी के लिए सबसे अच्छी बात होती है, अगर प्रॉफिट डे बाई डे हर साल ग्रो कर रहा है, तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी खबर होती है किसी कंपनी के लिए। अगर आप दुकान के, तो आपके दुकान के लिए भी ऐसी लागू होता है। 2018 से बैलेंस शीट का भी डाटा मिलेगा, तो डाटा देखते तो इक्विटी कैपिटल लास्ट 39 करोड़ का इक्विटी कैपिटल 2018 में था, जो बढ़ के कितना हुआ 1030 करोड़ का हुआ, तकरीबन 200 करोड़ का इसमें भी इजाफा हुआ है। वहीं रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो 1012 करोड़ का जो रिजर्व एंड सरप्लस था, वो बढ़ के कितना हुआ 3159 करोड़ का, लगभग 3 गुना इसमें भी इजाफा हुआ है। वहीं बारहवीं की बात करें तो बारहवीं 4077 करोड़ का जो बारहवीं था, वो बढ़ के 4486 करोड़ का हुआ है। तो कुछ ज़्यादा इसमें कर्जे में बढ़ोतरी नहीं हुई है, बट प्रॉफिट में देखा जाए, इक्विटी कैपिटल में देखा जाए, रिजर्व एंड सरप्लस में देखा जाए, तो अच्छा खासा ग्रो हुआ है। एसेट की अगर बात करें तो एसेट में देखा है तो 8551 करोड़ का जो एसेट था 2018 में, वो बढ़ के 12818 करोड़ हो गया है, तकरीबन 4000 करोड़ का इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो देखा है तो ये बेटर है, ये भी प्लस पॉइंट है, ये प्लस पॉइंट है, ये प्लस पॉइंट है, प्रॉफिट एंड लॉस देखा है तो भी प्लस पॉइंट इसके लिए है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करते हैं तो इसमें भी प्लस पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखा है तो प्रमोटर की हिस्सेदारी कितनी है, तकरीबन 61% की प्रमोटर की हिस्सेदारी है। FII की हिस्सेदारी कितनी है, तकरीबन 21% की। DII की हिस्सेदारी कितनी है, 11% की। तो देखा है 93% इन तीनों की हिस्सेदारी है इस शेयर में। तो सोचिए कितनी बड़ी हिस्सेदारी है, केवल प्रमोटर की नहीं, केवल प्रमोटर की हिस्सेदारी अगर 95% रहे तो मैं उसे अवॉइड करूंगा, बट यहाँ पे देखा तो FII DII भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो इसी वजह से इस शेयर को और खास बनाता है। तो देखा है इन तीनों की हिस्सेदारी अच्छा खासा हिस्सेदारी 93% करीब में है। तो देखा है शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत अच्छा है। तो देखा तो 4-5 प्लस पॉइंट इसको देखने को मिल रहा है। तो देखा जाए तो ये शेयर इतना बुरा नहीं, बहुत आगे तक जा सकता है। तो बाकी एनालिसिस आपके सामने रख दिया, डाटा आपके सामने रख दिया, एक बार विचार कीजिएगा। चलते हैं चार्ट पे, चार्ट क्या कहता है, एंट्री कब लेनी है। चार्ट में अगर देखने को मिलेगा तो चार्ट में अगर आप देखते हैं तो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, नीचे से एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। देखा तो इसी ट्रेंड लाइन के बीच में बहुत दिन से घूम रहा है, ये ट्रेंड लाइन में देखिए कितने दिन से इसी ट्रेंड लाइन के बीच में एक रेंज बना के घूम रहा है, लेकिन यहाँ पे देखा तो प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा, अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा, अभी अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा। अभी यहाँ पे अगर मुझे देखना रहे, अगर देखते हैं यहाँ पे, तो अगर इसके नीचे कोई डेली कैंडल क्लोज कर देता है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे कोई डेली कैंडल क्लोज कर देता है या 360 के नीचे आता है, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा, स्टॉप लॉस के साथ इसमें एंट्री बना सकते हैं। अगर यहीं पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ऊपर की तरफ कोई इसके ऊपर जाता है, तो ये कैंडल के ऊपर जाता है, तो आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आप 445 का रखेंगे तो बेटर रहेगा। जैसे इस ट्रेंड लाइन के पास में आता है फिर अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि क्या पता फिर ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर फिर आप यहाँ से ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ आ जाए, तो इसमें यही रणनीति अपना के आप एंट्री ले सकते हैं। तो मिलता है अगले वीडियो में, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।